सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सारी से। तो थर्ड सारी में हम लोगों ने बनाया था छोले आलू और पालक आलू और घी वाली रोटी। तो फटाफट से हमने ये रोटी खाई और फिर हम सो गए नमाज़ पढ़ के। तो फिर मैं चली गई थी, आज हमारी दावत थी मेरी पप्पो के घर पे थर्ड रोज़े पे। तो हम लोग फटाफट से गए थे और वहाँ जा कर के हम लोगों ने जो तैयारियाँ करी और उन्होंने हमारी जो तैयारियाँ करी हमारे लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने आलू काट लिया, पालक के पकौड़े बनाने के लिए, आलू के पकौड़े बनाने के लिए दोनों चीज़ों को कट कर लिया था। अब बेसन खूब सारा फेंट के रख लिया था। यहाँ पर वो धो रही थी पालक और यहाँ वहाँ पर थे उनके क्यूट से बकरे, तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी शूट कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे तीनों। और यहाँ पर लोग खेल रहे थे एंड मैं लेटी हुई थी और फटाफट से उन्होंने बिरयानी बनानी थी, कौरमा बनाना था, तो इसके लिए प्याज कट करी और यहाँ मेरी मम्मी वहाँ जाकर बना रही थी बिरयानी और मैंने जल्दी से धो दिए चावल। और चावल धोने के बाद फिर बच्चों को शूट किया क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। ये है बरीरा और वहाँ पे इतना प्यारा एक्वेरियम था ये फिश का, मैंने इनको भी ले लिया। और ये सना, ये सब मेरे कज़न्स हैं। और फिर वहाँ पे बिरयानी की हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी मम्मी ने मेरी, और बनाई थी शादी वाली बिरयानी। और शादी वाली बिरयानी का अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और हमने जल्दी से प्याज को फ्राई किया और तो यहाँ पे हो रही है प्याज फ्राई। और जब तक प्याज फ्राई होती है तब तक हम कर लेते हैं आपसे कुछ बातें। तो आपको बताना है अपना हाल कमेंट में और ये बताना है कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें मेरे ब्लॉग को। और जल्दी से बिरयानी बन रही थी तो चिकन है, बिरयानी चिकन की बनाई थी जल्दी जल्दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो गई थी हमारे यहाँ पे फ्रूट्स कट रहे थे क्योंकि हमें चाट बनानी थी, फ्रूट चाट मसाले वाली। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि फिर मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर दूंगी। फिर यहाँ पे असर का टाइम हो गया था तो यहाँ पर मैं पढ़ने लगी थी असर की नमाज फटाफट से। और फिर यहाँ पर चाट की दोबारा से तैयारी शुरू हो गई थी। चाट में बहुत सारे फ्रूट्स पड़ते हैं पर इसमें हमने वाटरमेलन नहीं डाला है। बिरयानी आप लोग देख सकते हैं बननी बिल्कुल बन, बस इस पर ये थोड़ा बॉयल होंगे चावल, गोश्त तो हमारा गला हुआ ही है। जल्दी जल्दी यहाँ फ्रूट्स कट रहे थे, पकौड़ियाँ बनने स्टार्ट हो गई थी। अब बिरयानी में भी दम लग रहा था, बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। और फ्रूट चाट में पड़ रही थी अब चीनी, चीनी हमने कम ही डाली थी क्योंकि बहुत सारी चीनी हो जाती है तो फिर ये खाई नहीं जाती क्योंकि नेचुरल फ्रूट नेचुरल स्वीटनेस भी होती है अपनी फ्रूट्स के अंदर। और इसमें डाला था चाट मसाला यहाँ पे। फिर ऊपर हम लोगों ने छत पे ही किया था सबने तैयार, तो यहाँ पे हम दस्तखान बिछा रहे थे। ये पकौड़ियों का दूसरा बैटर बनाया था, ये बहुत यमी था। 6:25 हो गए थे, टाइम बिल्कुल नहीं बचा था। जल्दी जल्दी हम लोगों ने सब कुछ किया, बिरयानी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, दस्तखान बिछाया और फिर हम सब ऊपर चले गए। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ऊपर ले जाने में सारा सामान। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ऊपर प्लेट्स में सारा सामान क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। तो जल्दी से हमने प्लेट्स बनाई और दस्तखान पे लगाई। तो अब लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी बिरयानी बनी है और खिले खिले चावल। अब हमने डिश आउट कर ली जल्दी से क्योंकि हमारा इफ्तार हो चुका था। इफ्तार के बाद हमने फटाफट से खाना लगा दिया था। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना और अपने साथ साथ रोज़ों का भी। अल्लाह हाफिज़।